हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भुट्टे की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो भुट्टे लिए हैं और उनके सीड्स को हमें निकाल लेना है। भुट्टों को हमें यहाँ पर सॉफ्ट लेना है, हमें हार्ड भुट्टे यूज़ नहीं करना। और उसको हम एक नाइफ की हेल्प से इस तरीके से निकाल लेंगे। हमें इस तरीके से भुट्टे के सारे सीड्स निकाल लेना है। देखिए, मेरे सारे सीड्स निकल चुके हैं। इसी तरीके से हम दोनों भुट्टे के सीड्स निकाल लिए। अब हम इन सीड्स को एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे। हमें इनका एक फाइन पेस्ट बनाना है, इसलिए हम इसको एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और हमें इसमें अब दो हरी मिर्च ऐड करेंगे और कुछ अदरक के टुकड़े इसमें हम ऐड करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए कितना अच्छा पेस्ट बना है। अब हम इस पेस्ट को एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसके अंदर आधा कप सूजी का ऐड करेंगे और दो चम्मच चावल का आटा ऐड किया है मैंने यहाँ पर, और आधा कप हमें यहाँ दही ऐड करना है। अब हम इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। और इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें इस बैटर को 15 से 20 मिनट के लिए प्रेस करने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हमारी सूजी फूलेगी। देखिए, अब हमें 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी सूजी भी काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसके अंदर कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर कैप्सिकम, कैरेट और ऑनियन लिया है। आप चाहें तो कुछ और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास सब्जी नहीं हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस हम सारी सब्जियों को इस बैटर के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हमारा बैटर थोड़ा सा थिक है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब हमें यहाँ पर जब हम बनाने जाएंगे अपना चीला, उसी टाइम पर हमें यहाँ पर आधा पैकेट ईनो का ऐड करना है। ईनो हमें बनाने से तुरंत पहले ही यूज़ करना है, हमें पहले से इसको डालकर नहीं रखना। तो बस अब हमने इसको ईनो मिक्स कर दिया है। अब हम अपना भुट्टे का चीला बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है। पैन को गर्म करने के बाद हमें इसमें ऑयल स्प्रिंकल कर देना है। आप पैन तवा कुछ भी ले सकते हैं। अब हमें एक इसको अच्छे से अपने पैन पर फैला देना है। हम स्पून की हेल्प से बहुत अच्छे से चारों तरफ अपने बैटर को स्प्रेड कर देंगे और इसको स्लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए लिड बंद करके रख देंगे। देखिए, अब ऊपर से हमारा चीला काफ़ी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको अच्छे से बहुत आराम से टर्न कर देंगे। हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पर, बहुत आराम से हम इसको टर्न करना है। या हमारा चीला ऊपर से पूरा पका हुआ दिखाई दे जाए उसी टाइम पर हमें इसको टर्न करना है, नहीं तो हमारा चीला टूट भी सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। फिर टर्न करके हमें दूसरी साइड से भी इसी तरीके से 2 मिनट के लिए अपने चीले को बना लेना है। बस अब हमारा चीला बनकर बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको चटनी के साथ, रायते के साथ, किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। मैंने कोकोनट चटनी बनाई है, उसके साथ ये चीला मैं टेस्ट करूँगी। तो ये चीला बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बहुत हेल्दी भी होता है। इसके अंदर फ्रेश वेजिटेबल्स होती है, कॉर्न होता है, ऑयल भी इसमें बहुत कम यूज़ होता है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है। आप इसको ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी लगता है, आपकी फैमिली में इसके सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब के लिए